मुरादाबाद में AIMIM की एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसको पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने संबोधित करते हुए कहा, गोश्त के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है। मुसलमानों के इलाकों में बैंक ATM ब्लैक लिस्ट किए जाते हैं, हमें पीने का साफ पानी भी नहीं दिया जाता है और हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल भी नहीं खोले जाते हैं। हमारी दाढ़ी और टोपी को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी सरकार बनती है तो लिंचिंग अब्दुल की होती है। शौकत अली ने कहा, हमें बीजेपी की बी टीम कोई दलित या हिंदू भाई नहीं कहता, बल्कि वह मुसलमान भाई है जो सपा और कांग्रेस में चपरासी है या BSP में दलाल है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों के लिए लगातार जनसभाएं कर इसी तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। साथ ही इस दौरान मुस्लिम मतदाताओं से निकाय चुनाव में AIMIM के पक्ष में मतदान करने की भी अपील कर रहे हैं। हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है, ये नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए और वो नाइंसाफी आज से नहीं 75 सालों से हो रही है, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत रही हो, चाहे समाजवादी की, चाहे BSP की, चाहे BJP की। जुल्म का शिकार अगर कोई रहा है तो मुसलमान रहा है, ये बात छुपी नहीं है। भाई ठीक है, कोई कानून अगर है, कोई कानून को फॉलो नहीं करता है, आप पनिश करिए ना उसको, ये कौन मना कर रहा है उसकी। लेकिन उसको लेकर के अगर पूरे समाज को आप कटघरे में खड़ा करेंगे तो ये ठीक नहीं है ना। वर्तमान सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, हम तो जो कानून लाते हैं वो सबके लिए समान। ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, मुसलमानों का विनाश। आप मुझे बताइए कि अखलाक को क्यों मारा गया था, बताइए आप। हापुड़ में पिलखुआ में कासिम को क्यों मारा गया था, आप बताइए मुझे। मैं भी गाय पालता हूँ, मेरे पास 4 गाय है, अब मुझे तो डर लगता है कि अगर कहीं अपनी गाय को मुझे डॉक्टर के पास भेजना हो तो ऐसा ना हो कि लिंचिंग हो जाए मेरी। ऐसा नहीं है मेरे भाई, जो इस देश के कानून को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। क्योंकि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दर्स दिया है कि जिस देश में रहना उस देश के कानून को फॉलो करना, समझ रहे ना। और हमारा संविधान तो इतना खूबसूरत है, हर किसी को आज़ादी देता है अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने का। जहाँ मंदिरों से हर हर महादेव की आवाज़ आती है, वहीं मस्जिदों से अल्लाहु अकबर की आवाज़ आती है। इतना खूबसूरत देश कहाँ मिलेगा आपको। लेकिन उसके बाद लोग इस तरीके की बात करते हैं, गलत है। मेरी तकरीर को पूरी देखिए ना, आधी क्यों चलाते हैं। मुझे ज़बरदस्ती मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है, मेरा बाजा बजाया जा रहा है, ऐसा मत करिए प्लीज़। आप लोग मुझे ऐसा करके ज़बरदस्ती लोगों की निगाह में, कल के मेरे साथ कोई घटना हो जाएगी कौन ज़िम्मेदार होगा, आप बताइए मुझे। मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं रहती, मैं अकेला चलता हूँ,